आर्टिकल 370 पर चीन अमेरिका के बाद रूस ने भी दिया पाकिस्तान को तगड़ा झटका। आइए जानते हैं दोस्तों क्या है बोला रूस ने। रूस ने कश्मीर पर भारत के कदम का समर्थन किया है और कहा है कि इसे लेकर किए गए बदलाव भारतीय संविधान के ढांचे के तहत है। रूस ने साथ ही भारत और पाकिस्तान से शांति बनाए रखने का रिक्वेस्ट किया है। शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के सवाल के जवाब में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मास्को को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान नई दिल्ली द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के दर्जे में किए गए बदलाव के कारण इस क्षेत्र की स्थिति में कोई जटिल बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा रूस का साफ साफ कहना है दोस्तों। रूस ने आगे कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के दर्जे में बदलाव और उसको दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन करना भारतीय गणतंत्र के संविधान के ढांचे के तहत किया गया है। रूस भारत और पाकिस्तान के रिश्ते समान रखने का हमेशा से समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो भी मतभेद है वे 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के प्रावधानों के अनुरूप राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से द्विपक्षीय आधार पर सुलझाए जाए। कश्मीर पर अमेरिका नीति में कोई भी बदलाव नहीं आया दोस्तों, जो पहले उनका स्टैंड था वही सेम स्टैंड अभी भी बरकरार है। दूसरी ओर आर्टिकल 370 पर चीन ने भी पाकिस्तान से अपना हाथ खींचते हुए बोला कि आप शांति से बैठ के इंडिया से बात कीजिए, कुछ भी उठ पटांग हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। धन्यवाद दोस्तों।